हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर्स में। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ गई जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था और जिसकी ऑथेंटिसिटी का सभी लोगों को इंतजार था, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है आयोग से निकल कर। और आयोग ने इसका ऑफिशियल नोटिस जो है जारी कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था आज से 15 दिन पहले कि मंडी परिषद का एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है। हालांकि उस समय कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि नहीं, मंडी परिषद का एग्ज़ाम जो है जून में होने वाला है, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दी है। ये आप देख सकते हैं, आयोग ने अपनी मंडी परिषद के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी। 384 पदों के लिए जो परीक्षा है वो 30 तारीख को, जैसा कि हमने कहा था, 10 से 12, और 2 पालियों में लिया जा रहा है, 3 से 5 दोस्तों। और एग्ज़ाम जो अभी है लगभग फाइनल हो चुका है कि एग्ज़ाम होना ही होना है। हालांकि कुछ बदलाव हुए हैं दोस्तों मंडी परिषद के एग्ज़ाम में, और ऐसा होता भी है जैसा कि हमने बताया था आपको कि कई एक एग्ज़ाम में जो होते हैं आयोग जो है पूर्णतः स्वतंत्र है, थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। जैसे हमने सेंटर्स का बताया था कि 5 शहरों में होगा तो सेंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। टाइमिंग की थोड़ी सी चेंज हुई है, हमने बताया था कि टाइमिंग की भी समस्या थी थोड़ी, टाइमिंग भी थोड़ा सा चेंज हुआ। तो दोस्तों, ये सब चलता रहता है, लेकिन जो मेन आपके काम की चीज़ थी, जो आपको बताया गया था कि एग्ज़ाम आपका 30-31 को प्रस्तावित है, वो देखिए मंडी परिषद का एग्ज़ाम का डेट आपको आ चुका है। साथ ही साथ जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके अपना जो है वो ज़रूर देखेंगे वो, कि हमने वो जो वीडियो 15 दिन पहले अपलोड किया था। और ये रहा दूसरा नोटिफिकेशन कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक का। ये देखिए, कनिष्ठ लिपिक सम्मिलित कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक का दोस्तों, ये देखिए। और 548 पदों का ये 2016 की परीक्षा थी ये, और इसका देखिए 31 तारीख को 10 से 11 जब हमने जबकि बताया था कि 3 से 4, हालांकि इसका समय चेंज कर दिया गया है 10 से 11, लेकिन हमने बताया था कि सिर्फ 1 घंटे की परीक्षा है और 1 घंटे की परीक्षा है दोस्तों। टाइमिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ये आयोग पर निर्भर है। 1 दिन पहले भी आयोग जो है कुछ भी कर सकता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ सारे संभावनाओं को नकार दिया गया है। अब एग्ज़ाम जो है ये फाइनल हो चुका है लगभग 100% की मंडी परिषद और कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम जो है 30 और 31 को प्रस्तावित है। तो दोस्तों, अब बिना सोचे समझे भिड़ जाइए तैयारी में, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और दोस्तों, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोग के लिए सामने दूंगा, UP SSC के लोअर PCS का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सामने वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आऊँ। और तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऑथेंटिक मिले। और ये हमारा दावा है कि इस चैनल पर आपको जो भी न्यूज़ चैनल जो भी न्यूज़ दी जाएंगी जो आपसे संबंधित होगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक ही दी जाएंगी, कोई इफ एंड बट नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद कई एक यूट्यूबर्स के मुंह पे ताला लग जाएगा जो कि हमारे न्यूज़ को फेक बता रहे थे, हमारे डॉक्यूमेंट को फेक बता रहे थे। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे, बोलने वाले बोलते रहते हैं, हम हमेशा ये काम करेंगे कि आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आयोग के अंदर से निकाल कर दें। और भी बहुत सारी न्यूज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट, UP SSC, SSC, BSSC, JSSC, जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, धन्यवाद।